हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रेस अप कैचअप। तो ये वीडियो आ रही है बहुत ही टाइम बाद, तकरीबन एक साल या उससे ज़्यादा तो हो ही गया होगा। सो मैंने सोचा इफ़ आई एम गोना स्टार्ट अपलोडिंग वीडियोस अगेन, तो दिवाली से बढ़िया दिन और क्या ही हो सकता है। तो जैसा कि आप वीडियो के टाइटल से समझ ही गए होंगे दैट आई एम गोइंग टू शो यू माई आउटफिट जो मैंने इस दिवाली पे पहना। वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्योंकि मैंने इसमें अपना खून पसीना। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो इस बार मैंने आई हैड अ प्रॉपर विजन कि मुझे क्या पहनना है। तो अच्छा, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द टॉप। जो टॉप जो मैंने सोचा था वो मैंने सोचा था एक कॉर्सेट बैकलेस टॉप, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी उसको पहनते हैं। उसका फिट, उसका लुक कितना बढ़िया आता है, यू नो इट। तो मैंने सोचा था वो एंड नीचे विद अ लॉन्ग स्कर्ट एंड ऑल्सो उसके साथ तो जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो मेरे ब्लाउज का मैचिंग का दुपट्टा होगा लाइक एकदम प्लेन कलर विद नथिंग डिजाइन, एकदम प्लेन। लाइक मैंने सोचा था कि मैं कॉर्सेट टॉप लूंगी। टॉप तो मुझे मिला नहीं बिकॉज इट वॉज रियली ओवर प्राइस्ड और मुझे चाहिए था स्ट्रैपलेस, और स्ट्रैपलेस जैसे मैं चाह रही थी ऐसा वो मुझे लाइक मिला नहीं, तो मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जो वो टॉप आते हैं जिनमें बड़ा बड़ा स्ट्रैप होता है वो ले लूँ, बट उसके स्ट्रैप्स मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। मैंने बहुत सारे साइट्स में देखा था, मीशो वीशो सब में, तो वो भी नहीं मिला। मीशो से ही ये टॉप मंगा लिया, तो मैंने ये इसीलिए लिया कि इसका जो नीचे से लुक आ रहा था वो इट वॉज रियली एकदम वैसा ही जैसा मुझे कॉर्सेट टॉप में जैसा होता है ना, लाइक नी वेस्ट साइड से इसका एकदम वैसा ही लुक आ रहा था। तो इट वाज अराउंड 250 या 240 समथिंग का इसका प्राइस था। स्कर्ट के जो ट्रेडिशनल लुक दिया, यू कैन वेयर इट लाइक अपना ट्राउजर्स या मे बी जीन्स या अपना कॉलेज ऑफिस कहीं भी आप लोग पहन सकते हो। इट्स रियली प्रिटी एंड यू नो, आप इसके स्ट्रैप्स देखो, आप इसको लाइक इधर से नीचे कर लो या उधर से, या लाइक अगर आपको राइट में लुक देना है तो आप ऐसे लुक भी दे सकते हो। यू कैन डू मैनी एज मैनी वेरिएशन एज यू कैन। सो दिस टॉप इज रियली नाइस। और टॉप के लिए तो आई वाज सेटिस्फाइड कि ठीक है, इससे काम चल जाएगा। एंड नीचे आई वांटेड अ लॉन्ग स्कर्ट। तो लॉन्ग स्कर्ट लेने के लिए मैं गई सरोजनी नगर, एंड यू जो दिल्ली में रहते हैं उन्हें तो पता ही है, जिनको बार्गेनिंग करने आती है उनके लिए तो बेस्ट है। लुक एट द कलर एंड एवरीथिंग, ग्रीन कलर भी थी। ऐसा कलर मैं नहीं पहनती हूँ बट फिर भी मुझे बड़ा अच्छा लगा इसका डिज़ाइन एंड एवरीथिंग, और ये मुझे फिट भी आ गई। एंड गेस द प्राइस, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये। क्या क्या लाइक 200 रुपये में यू गेट दिस क्वालिटी? आई वॉज रियली सैटिस्फाइड। बट नाई है स्कर्ट एंड लेंथ वाइज, मेटेरियल वाइज, फैब्रिक वाइज, प्राइस वाइज इट वॉज रियली गुड। कि लाइक टॉप हो गया, स्कर्ट हो गई। नेक्स्ट जो मैंने चीज ली थी वो है थी मेरा दुपट्टा वाइट कलर में। दिस इज द दुपट्टा एंड इट, ये तो मैंने बस अपने लोकल मार्केट से ही ले लिया था अपने घर के पास से ही, एंड इट कॉस्ट मी 50 रुपीज। 50 रुपये ये, 200 रुपये ये, एंड टॉप था 240। कितने हुए? नेक्स्ट आई विल शो यू माय फेवरेट चीजें जो है एक्सेसरीज के लिए मैंने सबसे पहले इयर रिंग्स, मैंने सोचा था नेक में आई विल नॉट वेयर एनीथिंग क्योंकि चुन्नी मैंने सोचा था आई विल उसको ऐसे करके पहन लूंगी ताकि मुझे नेकलेस की जरूरत ही ना पड़े। और दीज आर द इयर रिंग्स, बहुत सुंदर थी ये, और ये भी लाइक चलते चलते ही मैंने सोचा नहीं था कि डैट आई विल बाय फ्रॉम सरोजनी, बट मैंने ये वहीं से ले लिया एंड इट कॉस्ट मी 50 रुपीज। एंड साथ में ये चूड़ियाँ मैंने पहनी थी एंड लुक दीज आर सो प्रिटी, बहुत सुंदर थी ये। एंड मैंने सोचा नहीं था कि मैंने ये वहीं से ही ले ली सरोजनी से, सब कुछ वहीं से ही ले लिया मैंने। एंड दीज कॉस्ट मी लाइक 100 रुपीज थी या 150 की, बट मेरी मम्मी ने बार्गेन करके 100 की ले ली थी। इट्स रियली गोइंग विद माई स्कर्ट एंड विद माई ब्लाउज, दोनों के साथ जच रही है बहुत अच्छे से। सो नेक्स्ट आई विल शो यू मेरा हेयर स्टाइल एंड मेरा जो मेकअप जो मैंने किया। हेयर स्टाइल मैंने सोचा था लेट्स डू समथिंग डिफरेंट क्योंकि हमेशा मैं बन बना लेती थी। मैंने यहाँ पे 2 knots मारी, दोनों साइड से मैंने अच्छे तरीके से knot किया। तो रिबन को आप पहले से ही कट कर लेना विद उसको लाइक अपना, आपको कितना मेजरमेंट लाइक यू नो आपको कितना उसको मेजर कर लेना अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। तो मैंने इसको पहले से ही काट के रख लिया था एंड मैंने उसमें फिर दो साइड से मैंने उसको knot कर दिया विद अ क्यूट बो। तो हेयर स्टाइल करना बहुत ही ईजी है, आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं एंड आई प्रॉमिस यू इट्स गोना लुक सो क्यूट अगर आप इसको एक बार ट्राई करेंगे। तो मेकअप के लिए मैंने सोचा था कि दैट आई विल गिव मोर फोकस ऑन माय आई एरिया
तो मैंने सबसे पहले ये ग्लिटर आईलाइनर लगाया था. मैंने इसको खरीदा नहीं क्योंकि मेरे घर पे ही था एंड था भी ग्रीन कलर में, सो इट वाज मैचिंग विद माय स्कर्ट. तो आईलाइनर के साथ साथ मैंने ये भी लगाया था. तो दीज आर, ये मेरे घर पे ही था, मेरी मम्मी की बिंदी. मैंने क्या किया, दीज आर डेली प्रिटी. मैंने इसको बस अपने आँखों के ऐसे एजेस में दोनों साइड में लगा लिया. सो ये चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है. यू कैन गो विद योर ओन फ्लो. आप अगर जैसे मैंने साइड में लगाया, यू कैन पुट इट हेयर लाइक इन द सेंटर और यू कैन पुट इट लाइक नीचे भी लगा सकते हो. इट्स अप टू यू. लास्ट थिंग विच इज लेफ्ट इज माई फुटवेयर. यू नेवर नो आपको कितना चलना पड़े. तो मैंने दीज फ्लैट्स विद, इसमें बहुत कम हील है, यू कैन सी, आप इजिली इसमें चल सकते हो. सो फुटवेयर के लिए आई चोज दीज. ये मल्टी कलर है एज यू कैन सी एंड इट्स रियली क्यूट. बहुत नॉर्मल सी मैंने ली थी एंड नीचे मेरी स्कर्ट इतनी लंबी थी कि ये दिखती नहीं है. आई कुड ऑल्सो वियर शूज बट मैंने सोचा टू बी मोर आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन एंड टू वियर दीज. फुटवेयर इज ऑल्सो डन. होप मैं कुछ भूली ना हूँ. मैंने आपको सब दिखाया, मेरा मेकअप, मेरा हेयर एक्सेसरीज, मेरा आउटफिट एंड ऑल्सो माई फुटवेयर. सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट थिंग एंड दैट इज माई फाइनल लुक. सो चलो चल के देखते हैं. सबकी दिवाली भी अच्छी गई हो. होप यू गाइस एंजॉयड विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड लव्ड वंस. तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. हैप्पी दिवाली.